भिलाई में युवाओं के नेतृत्व में कचरा मुक्त शहर के निर्माण के लिए इंडियन लीग का आयोजन किया जा रहा है। देश में ये पहली इंटरसिटी प्रतियोगिता है जिसमें शहर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह, युवा समूह, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। प्रतियोगिता में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, स्वच्छता रैली का आयोजन एवं अन्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियां शहर में इसके तहत आयोजित की जा सकती हैं। दिनांक 16 सितंबर 6 बजे तक पंजीयन हो जाने के पश्चात दिनांक 17 सितंबर को प्रातः से इसका आयोजन होगा। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने इसका आदेश प्रसारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल के निर्देश पर शहर में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता के लिए महापौर ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं जनमानस को भी स्वच्छता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय स्वच्छता लीग प्रतियोगिता में शामिल होकर विजेता बनने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। 10 सर्वश्रेष्ठ टीमों का मूल्यांकन इसके लिए होगा। शहर की टीमों में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए शहर के मशहूर हस्तियों, प्रतिष्ठान, खेल हस्तियों, युवा नेताओं, पर्यावरण प्रभावित आदि जैसे ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ सकते हैं। स्वच्छता से संबंधित कोई भी गतिविधियां जो अच्छी हों और शहर हित के लिए हों, पर्यावरण के लिए लाभदायी हों, ऐसी गतिविधियां प्रतियोगिता में शामिल होंगी। भिलाई निगम ने प्रतियोगिता के लिए टीम का नाम हमर भिलाई रखा है। देखिए, ये देश में पहली बार जो है और कहना चाहिए भिलाई में भी पहली बार इंडियन स्वच्छता लीग, ये इसके नाम से जो है स्वच्छता की जो है प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो जागरूक हो, शहर के नागरिक हो, चाहे प्रबुद्ध जन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। और शामिल होने में जो उनके स्वच्छता से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, जैसे स्वच्छता रैली हो गई, स्वच्छता के दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा काम कर रहे होंगे, वो काम जो कर रहे हैं और करना होगा, वो प्रतियोगिता में शामिल है, उस कार्य को दिखाना होगा कि उन्होंने क्या किया है। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो 16 सितंबर की तारीख जो है, 6 बजे तक पंजीयन की तारीख है, उसमें पंजीयन कर सकते हैं। जो विजेता होंगे उनकी जो टीम एक्चुअली गठित होगी, उस टीम के तहत में इनको जो विजेता होंगे उनको जो है सेंट्रल लेवल पर उनको आमंत्रित किया जा रहा है और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भिलाई के जो लोग हैं उनसे मैं आम नागरिकों से अपील करता हूं कि आज जो डेट है उसमें पंजीयन करा लें आज की तारीख पे, और पंजीयन कराने के उपरांत उसमें भाग लें। स्वच्छता से संबंधित जितने भी हम वस्तुस्थिति हैं, उनके जो चीज़ें हैं, उनके मापदंड हैं, उनको अपनाएं, स्वच्छता अपनाएं, किसी भी दृष्टिकोण से हो सकता है, स्वच्छता के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन सभी पर वो हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपना नाम, शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है सर, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है या निगम में आगे करना? रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन प्रक्रिया है, हमने वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट में जा करके जो है वो आप जानकारी जो है अपलोड कर सकते हैं, फोटोग्राफ के सहित में जो आपने काम किया होगा पंजीयन करा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो चीज़ें होंगी, जो मापदंड होंगे, उसके आधार पर जो है विजेताओं का चयन। भिलाई निगम स्वच्छता की दिशा में लगातार अच्छा कार्य कर रहा है और अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता से जोड़ने का प्रयास निगम द्वारा किया जा रहा है। भिलाई को स्वच्छता की दिशा में आगे ले जाने के लिए शहर के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास भी जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की।